सचखंड श्री दरबार साहिब जिथे रूहानियत का केंद्र है उत्थे ही कई लोग अपनी मनोकामना पूरिया करने वास्ते इत्थे आके नतमस्तक हुंदे हन। इसी ही तरह अज बॉलीवुड के अदाकार राज बब्बर, जय प्रदा और इहाना ढिल्लो दे वल्लों अपनी नवी आ रही फिल्म पूत अंकल तुसी ग्रेट हो इस फिल्म की कामयाबी लई अरदास करन पहुंचे। इस मौके जय प्रदा ने कहा कि उन्होंने वल्लों यह पहली पंजाबी फिल्म की जा रही है और उन्होंने इस फिल्म तो बहुत ही सारी आस है। इस नाल ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म के टाइटल तो पता लगता है कि यह फिल्म हॉरर है और इस विच कमेडी भी भरी हुई है और इस फिल्म की प्रमोशन के लिए अज अमृतसर पहुंचे ने। आज मैं बहुत खुश हूँ हरमंदिर साहब इस पवित्र स्थान पर आने के बाद। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मैं राज बब्बर साहब और इरहाना से मैं साथ आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा और कई दिनों का मेरा अरमान है कि इस पवित्र स्थान पर गुरुद्वार में मुझे माता ठेक के मेरा अरमान पूरा हुआ। आज मैं बस इतना ही मांगती हूँ कि हमारे जो फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो ये रिलीज़ पे है 26 तारीख को, तो हम माता ठेक में आए हैं और उनका आशीर्वाद सदा रहे। पहली पंजाबी फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है। आप सबको देखने के बाद और खुशी हुई है और पहले मैं तो गर्व एहसास करती हूँ कि सभी ने पूछा कि आप बॉलीवुड के बाद आप पंजाबी फिल्म में कैसे हैं, तो मैंने कहा था कि ये मेरा गर्व है कि मैं पंजाबी फिल्म में कई सालों से सोच रही थी। 7 लैंग्वेजेस में करने के बाद एक ऐसे लगा कि मुझे पंजाबी फिल्म में करके पूरा करना है, तो आज भूत अंकल तुसी ग्रेट हो कुकड़े जी जो उनके प्रोड्यूसर है डायरेक्टर भी हैं तो उनके रिलीज़ पे हम यहाँ आने का मौका हम लोगों को मिला और गुरु गोविंद सिंह जी उनके कृपा हमेशा हमारे सर पर रहे। मेरे वास्ते यह पवित्र स्थान शायद मेरा ये रिश्ता बचपन तो है, मेरे नानके इतने पिछे पासिया वाले चौक में, तो मैं बचपन से अगर किधरे भी गया तो मेरी माँ मेरे मामे मैं लेके आते सन कि इतने आ मत्था टेक। असी शुरुआत की थी सी इस फिल्म की भूत अंकल, मैं ते बुकाड़िया साहब साढ़े प्रोड्यूसर के सी बुकाड़िया साहब इतने आए सा मत्था टेक के असी शुरुआत की थी। और बाबे की मेहर रही कि इस फिल्म दे विच जा पता जे सी अदाकारा जो शायद किसी परचे की मोहताज नहीं, इन्हां नूं लगता सी कि पंजाबी फिल्म नहीं हो सकती, पंजाबी जबान है, लेकिन इन्हां दी इच्छा बड़ी सी। जिवें इन्होंने खुद ही कहा कि मैं 7 जबाना से काम किया, मैं क्या पंजाबियों की जबान से काम करेगा तो 8वां अजूबा हो जाएगा। इन्होंने जो फिल्म से काम किया है इतना खूबसूरत है, इतना इमोशनल है, भूत अंकल तुसी ग्रेट और लगता है कि कोई डरावनी जी फिल्म होगी। हाँ, इस कोई शक नहीं कि हॉरर फिल्म है और इस फिल्म के कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है और सब तो ज़्यादा अगर कोई अट्रैक्ट होने वाला है तो फैमिली से बच्चे होने वाले हैं। असी केसी बुकाड़िया साहब दे असी तमाम जो टैक्नीशियन साढ़े साउथ इंडिया तो आए सन उन्हों का शुक्रिया अदा करने हैं और बाबे अगे मेहर करने, बाबे अगे अरदास करने हैं कि अज तेरे दर ते आए हैं तू सब की इज्जत रखी। बस अपना आशीर्वाद भरा हाथ जड़ा है वो साढ़े सिर ते रखी। भूत अंकल तुसी ग्रेट हो जिहड़ी रिलीज़ हो रही है 26 अगस्त को, अज असी गोल्डन टैंपल आए हैं, हरिमंदर साहब मत्था टेकन आए हैं, कल साड़ी 2 दिन रह गया मूवी के रिलीज़ के, सो बाबा जी का आशीर्वाद लैन आया, गुरु जी का आशीर्वाद लैन आया। सो भूत अंकल तुसी ग्रेट हो केसी बुकाड़िया सर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उन्होंने डायरेक्ट की, वो पहली पंजाबी फिल्म है। केसी बुकाड़िया सर का तो इंट्रोडक्शन देने की आई थिंक लोड़ भी नहीं पाएगी। सो थैंक यू केसी बुकाड़िया सर एक तो इन्ना वड्डा इनिशिएटिव लैने लई साडी पंजाबी इंडस्ट्री दे विच आके तुसी पंजाबी मूवी बना रहे हो, सो थैंक यू। एंड साडे नाल ने जय प्रदा मैम, राज बब्बर सर, सो मेरे लिए एक बहुत वड्डा प्राउड मोमेंट है और मूवी मेरे बहुत दिल दे करीब है बिकॉज मैनू सारे सीनियर एक्टर्स दे नाल मैनू काम करन दा मौका मिलिया, सो मैनू ये लगता है कि आई फील ब्लेस्ड। सो थैंक यू राज सर एंड जय प्रदा मैम, तुसी बहुत हैल्प की एंड मैनू बहुत कुछ सीखने भी मिलिया।
सो भूतंकल तुसीं ग्रेट हो एक हॉरर पिक्चर है एंड उहदे नाल नाल कॉमेडी है एंड जिवें राज सर ने बोलिया कि एक बच्चा दी जो अड़ी कॉमेडी आई थिंक बच्चों नू लेके सारी उम्र के लोगों नू ये मूवी बहुत पसंद आएगी एंड बाकी जिवें तुसीं कह रहे सीगे मैं तो एक भूत का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ देखते हैं आपां लोगों नू कि डराउंदे हैं।